पिछले वीडियो में हमने कुछ मैथम मैजिक देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये काफी सिंपल है। कोई भी प्राइम नंबर जो ग्रेटर देन 3 है उसे हम 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां n एक नेचुरल नंबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे 7 को हम 6 टाइम्स 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, 11 को हम 6 टाइम्स 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। चलिए पहला केस लेते हैं 6n प्लस 1 का। इसे हम स्क्वायर करके जब एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 12n मल्टीप्लाइड बाय 3n प्लस 1। अगर n नेचुरल नंबर है तो या तो n या तो 3n प्लस 1 इवन होगा, एंड अगर उन दोनों में से कोई एक इवन रहा इसका मतलब है कि 12 और 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स है। यही रीजन है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 24 होता है। सेम सॉल्यूशन एप्लीकेबल होगा 6n माइनस 1 को। जाने से पहले ये रहा आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमने देखा है कि कोई भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन एज 6n प्लस 1 और 6n माइनस 1। बट अगर हमारे पास कोई नंबर हो जो 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 फॉर्मेट में हो, क्या वो हमेशा प्राइम होगा? यस या नो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड ऑल्सो हमें बताइए ऐसा क्यों।